जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। आज है 1 सितंबर 2020 और आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ऑनलाइन शिक्षण ऑफिशियल नाम से मिल जाएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, मुस्तफ़ा अदीब लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री नामित हुए। जो लेबनान देश है उसके नए प्रधानमंत्री अभी नामित किए गए हैं, उनका नाम है मुस्तफ़ा अदीब। लेबनान के बारे में जानते हैं, इसकी राजधानी है बेरूत, मुद्रा है लेबनानी पौंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूक्रेन ने बेलारूस देश के साथ सभी संबंधों को ख़त्म किया, यानी एक फैक्ट है, जो यूक्रेन ने बेलारूस है जो बेलारूस के साथ सभी संबंधों को ख़त्म कर दिया है, यानी दोनों देशों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं है, दोनों के संबंध आपस में ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में अन अकेडमी को चुना गया। तो जो अन अकेडमी है, एक टीचिंग प्लेटफॉर्म है, इस पर टीचर पढ़ाते हैं, और इसने IPL के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदारी ले ली है। चलिए IPL के बारे में जानते हैं, अब की बार IPL 19 सितंबर से 10 नवंबर तक आयोजित होंगे। टाइटल स्पॉन्सरशिप जीता है ड्रीम 11 टीम ने। आयोजित कहां पर होंगे, ये आयोजित होने वाले हैं IPL अब की बार 2020 में दुबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कमज़ोर वर्गों की महिलाओं के लिए घर की साइटें पंजीकृत करने की घोषणा की। तो आपको जानना होगा कि घर की साइटें का क्या मतलब है। घर की साइटें का मतलब है घर बनाने की जगह पंजीकृत की जाएगी, तो ये आप सभी को याद कर लेनी है। किस राज्य ने शुरुआत की, आंध्र प्रदेश ने कमज़ोर वर्ग की महिलाओं के लिए ये पंजीकृत की सुविधा प्रदान की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है YS जगमोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण। और आंध्र प्रदेश ने अभी एक सुविधा भी लॉन्च की है, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, ये भी आंध्र प्रदेश राज्य ने ही लॉन्च किया है। जगन्ना विद्या दीवेना योजना, ये भी आंध्र प्रदेश ने ही चला रखी है। निगाह ऐप, ये भी आंध्र प्रदेश ने ही किया है लॉन्च। और कोविड फार्मा ऐप भी आंध्र प्रदेश राज्य ने ही लॉन्च किया है। आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए, ये भी आंध्र प्रदेश के हॉस्पिटलों में ही नियुक्त किए गए हैं। आरोग्य मित्र के साथ साथ आप सभी को याद करना चाहिए, जैसे मैं आपको याद कराता हूँ, स्वास्थ्य मित्र और किसान मित्र भी आपको याद रख लेने हैं। राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य मित्र अभी नियुक्त किए हैं और किसान मित्र नियुक्त किए हैं हरियाणा राज्य ने। चलिए, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश ही है। आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। रेलवे NTPC या ग्रुप डी की परीक्षाओं में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम, ये भी आंध्र प्रदेश राज्य ने ही शुरू किया, यानी निष्ठा कार्यक्रम तो सभी राज्यों ने शुरुआत कर रखी है, लेकिन जो ऑनलाइन निष्ठा है ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश सरकार ने ही किया है। फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का ही है, फलों के साथ साथ जानते हैं सब्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान, तो सब्जी के प्रथम स्थान है उत्पादन में पश्चिम बंगाल का, यानी वेस्ट बंगाल, यहाँ की CM है ममता बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया है, ये कौन थे, ये एथलेटिक कोच थे। क्या नाम है इनका, पुरुषोत्तम राय। ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इस बार द्रोणाचार्य अवार्ड इनको मिलना था, और द्रोणाचार्य अवार्ड मिलने से कुछ घंटे पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है, तो आप सभी को याद रख लेना है पुरुषोत्तम राय का निधन हुआ है, ये एक एथलेटिक कोच थे। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। और कल ही प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति थे हमारे, उनका निधन हो चुका है, उसके बारे में एक वीडियो आज 11 बजे आ रही है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और आप सभी देखना मत भूलिएगा,
11 बजे लाइव ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। आईआईटी इंदौर ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नए पाठ्यक्रम पेश किया है, यानी संस्कृत को पढ़ाने के लिए, प्राचीन विज्ञान को पढ़ाने के लिए संस्कृत में पाठ्यक्रम पेश कर दिया है आईआईटी इंदौर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 78 नए मार्गों को अनुमति दी है। ये नए मार्ग 78 है जो अभी इनको अनुमति दी गई है और केंद्र सरकार ने दी है। ऐसे पूछा जा सकता है किस योजना के तहत 78 नए मार्गों की अनुमति दी है, तो ये दी है उड़ान योजना के तहत। उड़ान के बारे में जान लेते हैं। उड़ान का मतलब है, इस शब्द का, उड़े देश का आम नागरिक। इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में नरेंद्र मोदी के द्वारा। लास्ट मार्ग जो 78वां अभी बनाया गया है, बनाया गया था इन 78 राजमार्गों से पहले जो लास्ट राजमार्ग बना था वो 250वां था और ये भुवनेश्वर और वाराणसी के बीच में बनाया गया था। अब हाल ही में 78 नए मार्गों को अनुमति दे दी गई है, ये भी जल्दी बनाए जाएंगे। यहाँ पर उड़े देश का आम नागरिक से मतलब है जो भी कुछ हमारे देश में एयरपोर्ट थे जो कभी कभी यूज होते थे और जो कभी भी नहीं यूज हुए थे, उन सभी को चलाने के लिए, लोकल फ्लाइट चलाने के लिए, जिससे राजस्व में भी फ़ायदा हो सरकार को और आम लोग हैं जो हवाई जहाज की यात्रा नहीं कर सकते वो भी हवाई जहाज में सफ़र कर सके सस्ते दामों पर, इसलिए इस उड़ान की शुरुआत की गई थी, 2016 में की गई थी। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता देश कौन सा है? तो ये विजेता देश है रूस और भारत, दोनों ही देश विजय रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चैम्पियनशिप में दोनों ही देश विजय रहे हो? ये दोनों सेमीफाइनल में पहुँचे थे तो इनमें से फाइनल में दोनों ही देश पहुँच गए। इस बार ये शतरंज ओलंपियाड ऑनलाइन हुआ है, यानी ये कोरोना वायरस के चलते अब की बार ऑनलाइन आयोजित किया गया, पहले ये ऑफलाइन आयोजित किया जाता था। तो दोनों किस प्रकार ये फर्स्ट पर रहे? इंटरनेट की कनेक्टिविटी खराब होने के कारण, यानी इंटरनेट बार बार दिक्कत करने के कारण बीच में ही गेम रुक जाता था, इस वजह से दोनों ही देश को, रूस और भारत को, विजेता घोषित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में सी प्लेन सेवा शुरू की जाएगी। सी प्लेन सेवा क्या होती है? जो एरोप्लेन समुद्र पर भी चल सकता है, पानी पर भी, और उड़ भी सकता है, उसको बोलते हैं सी प्लेन, जो सी में भी चल सकता है, प्लेन भी बन सकता है। और ये गुजरात राज्य ने शुरू की है सेवा। गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत कौन है? राज्यपाल, विजय रूपाणी मुख्यमंत्री, गांधीनगर राजधानी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। और सबसे लंबी समुद्री सीमा भी गुजरात की ही लगी हुई है पानी से। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। फर्स्ट इन सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन, यानी सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के मामले में गुजरात सबसे प्रथम स्थान पर रहा है। गुजरात पुलिस के पास ट्रेजर गन है जो सबसे पहले गुजरात पुलिस के पास ही मिली है, यानी पहुंची है। इसका काम क्या है? मुजरिमों को इलेक्ट्रिक शॉट लगाना और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये अभियान भी गुजरात सरकार ने ही शुरू किया हुआ है। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल, ये भी गुजरात सरकार ने ही शुरू की है। नल सरोवर लेक और गिरी नेशनल पार्क, सरदार सरोवर बांध, ये सभी तीनों गुजरात में ही स्थित है। आप सभी को ये फैक्ट याद रखने होंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्स वैगन कंपनी ने वर्चुअल रेसिंग चैम्पियनशिप लॉन्च की। जो वोक्स वैगन कंपनी है ये जर्मनी की ऑटोमोबाइल कंपनी है, इसने ही वर्चुअल रेसिंग चैम्पियनशिप लॉन्च की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO ने 20वीं रामगोपाल राव की अध्यक्षता में प्रयोगशालाओं के चार्टर की समीक्षा के लिए समिति गठित की। DRDO ने की है, किसकी अध्यक्षता में? रामगोपाल राव की अध्यक्षता में ये समिति गठित की है।
डीआरडीओ की फुल फॉर्म जान लेते हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है डीआरडीओ के बारे में जानना, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है डीआरडीओ की। स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी और इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जी सतीश रेड्डी जी चेयरमैन हैं डीआरडीओ के, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपने इन संस्थाओं वगैरह पर वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी सभी अवार्ड और ज्योग्राफी साइंस वगैरह रीजनिंग की सभी की क्लासेस चली हुई है, आप सभी देखना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, ये कौन है? ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है, नाम है उत्पल कुमार सिंह, जो लोकसभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में विवादित पानी में कृत्रिम द्वीपों के निर्माण में भाग लेने के लिए 24 चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है। कितनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है? 24 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है। तो अमेरिका ने कुछ और भी फैक्ट जानते हैं जो किया है, WHO से अलग होने की घोषणा भी अमेरिका ने ही की है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन उड़ानों पर रोक लगा दी है अमेरिका ने, राष्ट्रीय स्मारक को अगर कोई क्षति पहुंचाएगा उसको 10 साल की सज़ा दी जाएगी। और आप सभी को याद होगा कि भारत और अमेरिका बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं, मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, युद्ध अभ्यास, ये तीनों अमेरिका और भारत के बीच में युद्ध अभ्यास होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु में RORO ट्रेन की सेवा की शुरुआत की गई, ये क्या है RORO? RORO का मतलब है रोल ऑन, तो ये बेंगलुरु में शुरू की गई है। कहाँ से कहाँ तक चलेगी ये ट्रेन सेवा, तो देखते हैं, नेला मंगला, बेंगलुरु में एक स्थान है नेला मंगला, वहाँ से लेकर महाराष्ट्र के सोलापुर तक ये सेवा शुरू की गई है। क्या होगा इसमें? सड़क दुर्घटना कम करने के लिए ट्रकों को ले जाने के लिए, यानी जो भी हैवी वाहन होते हैं, जैसे कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है जिसे ट्रक करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाने के लिए ये ट्रेन सभी ट्रकों को अपने ऊपर, जैसे मालगाड़ी होती है तेल इधर से उधर ले जाती है, इसी तरीके से नेला मंगला बेंगलुरु से महाराष्ट्र के सोलापुर तक ट्रक को लेकर आएगी, इससे ट्रैफिक भी कम होगा और दुर्घटना भी कम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेजर बोम्बा और टेजर बोम को रूस के द्वारा विकसित किया गया, ये क्या है? ये एक हाइड्रोजन बम है और ये टेजर बम्बा और टेजर बम को रूस ने विकसित किया है, यानी बनाया है हाइड्रोजन बम। आपको सभी को पता होगा, रेलवे के एग्जामों में ज़्यादातर पूछा जाता है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम है, ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप सभी को याद होगा एटॉमिक बम भी पूछा जाता है, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के आधार पर ये कार्य करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में प्रति महीने के औसत वेतन में प्रथम देश कौन सा रहा? रूस, स्विट्जरलैंड, इजराइल, या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और आप सभी इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है जापान के प्रधानमंत्री ने, आप सभी को याद रखना है, जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था। आप सभी ने बहुत अच्छे से आंसर दिया, तो आज इस क्वेश्चन का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट या करंट अफेयर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, कुछ कमी हो वीडियो में कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं जरूर ही उसमें सुधार करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।